दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम SQL CMD कमांड को यूज करते हैं। SQL CMD टूल जो है कमांड मोड में यूज होता है, और इसको यूज करके हम कैसे SQL सर्वर के कमांड को रन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ऑलरेडी SQL स्क्रिप्ट है बना बनाया, तो उसको कैसे हम इम्पोर्ट करके उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, हमारा दो टारगेट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि CMD को पहले ओपन करूंगा विंडो की, और R प्रेस करने पर आपको CMD इसमें टाइप करेंगे, और जब प्रेस करेंगे तो आपका CMD ओपन हो जाएगा। अब इसके भीतर आपको SQL CMD कमांड को यूज करना है। तो SQL CMD कमांड को यूज करने के लिए पहले क्या क्या इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, इसको जानने के लिए दो तरीका है। और इसका हेल्प लेने के लिए हम स्लैश करके कमांड के बाद स्लैश और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो जितने भी इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको इंटरप्रेस करता हूँ। तो देखिए कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल रहा है, इसको आपको समझना होगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। देखिए, मैंने जब इसको प्रेस किया तो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर कमांड लाइन टूल है, और ये कौन सा वर्जन है ये वर्जन भी बता रहा है। और इसके बाद आपको यूजेज में देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, जो SQL CMD है तो इसको आप स्विच कर लीजिए या ऑप्शन कर लीजिए। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये स्विच या ऑप्शन, इसी को यूज करना है। जैसे कि अगर आप SQL CMD के थ्रू अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको सर्वर का नाम स्पेसिफाई करना होगा। इसमें एक बात याद रखना है कि ये जो भी ऑप्शन है स्विच है ये केस सेंसिटिव है। देखिए तो केस सेंसिटिव है, तो जैसे डैश एस या माइनस एस जो लिखा हुआ है ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है, और इसके बाद आपको सर्वर का नाम लिखना होगा। मैं अभी करके बताऊंगा। और ये सर्वर का नाम का मीनिंग क्या है उसको हम देखेंगे, और भी अलग अलग तरह के स्विच हैं। पहले हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं SQL सर्वर के किसी इंस्टेंस से, इसको समझते हैं। तो ये कमांड आपने पहले देखा कि स्लैश क्वेश्चन मार्क करने से आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें नीचे आपको ले जाकर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी कमांड को यूज करने जा रहा हूं। तो यहां देखिए कि एक और तरीका है, डैश क्वेश्चन मार्क करेंगे तब भी ये सिंटैक्स समरी देगा, क्योंकि ऊपर जो भी दिख रहा है आपको ये सिंटैक्स समरी है। अगर मैं यहाँ स्लैश क्वेश्चन मार्क की जगह डैश क्वेश्चन मार्क कर दूं तब भी ये पूरा वैसे ही आ रहा है, ठीक है। CLS करके मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है SQL सर्वर इंस्टेंस से आप कनेक्ट करेंगे, जो SQL CMD क्लाइंट कमांड लाइन टूल से करूंगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको SQL CMD लिखना है, और अभी आपने टूल में देखा था कि सर्वर से कनेक्ट करने के कैप्स में एस लिखेंगे माइनस एस। तो ये क्या हो रहा है कि सर्वर का आपको नाम बताना था। सर्वर का नाम क्या होगा, अगर मैं 2012 का जो SQL सर्वर इंस्टेंस है उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो डॉट स्लैश स्लैश करने के बाद आप SQL सर्वर इंस्टेंस का नाम लिखेंगे जिसका नाम है SQL एक्सप्रेस। ये SQL एक्सप्रेस कैप्स या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो स्विच है ये आपको करेक्ट होना चाहिए, ये अपर में होना चाहिए या लोअर में होना चाहिए, दोनों ये बात का ध्यान रखना है। तो SQL एक्सप्रेस आप किसी में भी लिख सकते हैं, अपर लोअर किसी में भी। अब मैंने जब ये किया तो ये कनेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि ये कनेक्ट कैसे हुआ, इसका पता कैसे चल रहा है। यहाँ पर जो है वन और एंगुलर ब्रैकेट आ रहा है, ये बता रहा है कि आप जो है कनेक्ट हो चुके हैं। ये इंटरेक्टिव मोड है, और इस मोड में आप अपने कमांड को लिख सकते हैं। सेलेक्ट एंड ये ग्लोबल वेरिएबल है सर्वर नेम। अब देखिए कि आपने इंटर जब प्रेस किया ना तो ये कमांड एक्सिक्यूट नहीं हुआ। ऐसा होता क्या है कि आप चाहे तो मल्टीपल कमांड भी लिखकर बाद में एक बार में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं सेलेक्ट वर्जन भी शायद होता है मुझे जहां तक याद आ रहा है, और इसके बाद गो कर दिया। गो करने का मतलब ये एक्सिक्यूट होगा कमांड। जब मैं ये करूंगा तो देखिए यहां पर कमांड एक्सिक्यूट हुआ और इसका वर्जन भी बता रहा है ये कौन सा वर्जन है। मैंने दो कमांड एक साथ एक्सिक्यूट कर दिया है, और पहला कमांड जो था SQL सर्वर नेम, तो हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि जो पहला कमांड रन हुआ ये सिलेक्ट ग्लोबल वेरिएबल सर्वर नेम के लिए आया है, और दूसरा कमांड जो है सिलेक्ट वर्जन जो है वो वर्जन आपको नीचे आ रहा है। तो नीचे आप स्क्रॉल कीजिए तो आपको दिखेगा यहाँ एक और भी रो इफेक्ट हुआ है। तो आप चाहे तो मल्टीपल रन कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी रन कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से एक बार करके दिखा रहा हूं कि मान लेते हैं कि मैं सिलेक्ट सर्वर नेम किया, अब एक्सिक्यूट करने से पहले ग्लोबल जी लिखे, तो देखिए ये एक्सिक्यूट हो गया। तो आपने लर्न किया कि कैसे आप SQL CMD में किसी कमांड को एक्सिक्यूट करते हैं। कमांड से मतलब है कि SQL सर्वर के TSQL के कोई भी कमांड को आप रन करते हैं, चाहे वो एक लाइन का हो या मल्टीपल लाइन का हो। अब मान लेते हैं कि मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। पहले तो अब मैं देखिए कि इंटरेक्टिव मोड में हूँ तो ये CLS काम नहीं किया, क्योंकि ये CMD का कमांड था ना कि SQL CMD का था।
तो मुझे इस इंटरेक्टिव मोड से बाहर आने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कंट्रोल सी जब प्रेस करेंगे तो आपका लास्ट ऑपरेशन टर्मिनेट हो गया और आप बाहर आ गए, आप मतलब सीएमडी मोड में। आप सीएलएस करेंगे तो क्लियर हो गया स्क्रीन। फिर दोबारा आपको एसक्यूएल सीएमडी में जाने के लिए एसक्यूएल सीएमडी को लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं एसक्यूएल सीएमडी लिखा तो ये तो मैं बाहर आ गया ना, तो इसको फिर मैं वैसे ही करता हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने बताया था कि ये जो मैं यहाँ लॉग इन कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था, तो कनेक्ट सर्वर से कनेक्ट करने के लिए माइनस एस लिखे थे ना, लेकिन ये अगर मैं जैसे कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन करते हैं सिक्योर मोड में करते हैं तो यहाँ पर एक स्विच है माइनस ई, और इसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर आप इंटरेक्टिव मोड में आएगा, मतलब फिर आप अपना यहाँ से फर्क कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं देता हूँ स्टूडेंट, और आप जो है कई लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ आईडी ENT और फिर उसका सिटी एड्रेस वायर कैर 40 ले लेता हूँ। अब ये कुछ सेमी कॉलन दे दिया तो मेरा एक पूरा कमांड मतलब पूरा एक एसक्यूएल लिख लिया। अगर मुझे इसको एक्सिक्यूट करना हो तो करना क्या होगा, मुझे अगले लाइन में गो लिखेंगे तो ये कमांड एक्सिक्यूट होगा। तो कमांड तो एक्सिक्यूट होगा लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि टेबल केवल क्रिएट होगा हमारे बैकएंड में, मतलब डेटाबेस में। बाहर आ गया, ये कमांड एक्सिक्यूट हो चुका है, माइंड कीजिएगा। केवल मैं डेटाबेस में जाकर दिखाऊंगा कि इस डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे पास स्क्रिप्ट बना हुआ है, मैंने डी ड्राइव में एक स्क्रिप्ट बना रखा है। अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को सीएमडी मोड में एसक्यूएल सीएमडी के हेल्प से रन करना हो तो कैसे रन करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पूरा कमांड मैंने लिखा है। शुरू में मेरा जो डेटाबेस ओपन होता है, कनेक्ट होता है, तो मास्टर डेटाबेस से कनेक्ट होता है। अब उसके बाद मैं एक ऑलरेडी मेरे पास अप्लाइड के अंडरस्कोर डीबी डेटाबेस बना हुआ है, मुझे मालूम है, उसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ और फिर से उसी डेटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ और फिर उस डेटाबेस को एक्टिव डेटाबेस बना रहा हूँ। तो यूज डेटाबेस का यूज यूज लिख रहा हूँ और डेटाबेस का नाम, तो क्रिएट टेबल डेमो लिखा मैंने और इसमें एक इंट करके सिटी करके ऐसे करके मैंने एक टेबल क्रिएट किया डेमो नाम से, और इसमें दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, और करने के बाद मैं उसे डिस्प्ले करने के लिए डेटा को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो कर रहा हूँ। अब इसको मुझे अगर अपने एसक्यूएल सीएमडी में रन करना हो तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और अपने सीएमडी में जाता हूँ। आपको जब कनेक्ट कर रहा है ना, जब ये कनेक्ट कर रहे हैं उस समय ही अगर आप इनपुट दे देते हैं, माइनस आई का मतलब है कि इनपुट, इनपुट के बाद है कि जो फाइल जिसको इनपुट करना है उसको आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहिए तो किसी दूसरे जगह अगर आउटपुट करना चाहते हैं तो माइनस या डैश ओ करके जो भी फाइल पाथ है आप लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क कोटेशन नहीं लगेगा, सिंपली आप पाथ लिखेंगे। जब मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो ये जो है कमांड रन हो गया, और ये कमांड रन हुआ और ये हमारा जिस पाथ में था उसी पाथ में आउटपुट वन आ गया। दोबारा से मैं इसको सीएमडी, अगर मैं ये आउटपुट नहीं दूं तब क्या होगा, अगर आउटपुट नहीं दूंगा तो ये सिंपल सी बात है कि कंसोल पे आउटपुट आएगा, ठीक है, और जो चीज आपको नोटपैड में आ रहा था वो चीज आपको कंसोल पे आ रहा है। तो आप देखिए किसमें लिख रहा है कि दो वन रो इफेक्टेड, फिर वन रो इफेक्टेड, मतलब दो बार मेरा जो है ये सेलेक्ट ये इंसर्ट इनटू, और उसके बाद दो बार इंसर्ट हुआ है तो दो बार ये कमांड एक्सिक्यूट हुआ फिर सेलेक्ट के चला है, तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इसमें वन रो इफेक्टेड फिर वन रो इफेक्टेड हुआ, ये इनपुट के लिए आ रहा है, और ये जो आपका डेटाबेस चेंज हुआ उसके लिए एक आ रहा है, फिर चेंज डेटाबेस आपको अप्लाइड के डीबी आ रहा है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, पहले मास्टर में था फिर अप्लाइड के डीबी में चला गया है, ठीक है, और सिलेक्ट करने पर ये जो है आ रहा है। अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम आउटपुट दिखाते हैं, कैसे इनपुट दिखाते हैं। अब मैं ये काम करता हूँ कि अगर मान लेते हैं यही कमांड जो मैंने ये रन किया था, दोबारा से मैं इसको सीएमडी, अगर मैं ये आउटपुट नहीं दूं तब क्या होगा, अगर आउटपुट नहीं दूंगा तो ये सिंपल सी बात है कि कंसोल पे आउटपुट आएगा, ठीक है, और जो चीज आपको नोटपैड में आ रहा था वो चीज आपको कंसोल पे आ रहा है। देखिए कि वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड, और